मिला, चलो उधर देखते हैं। सीआईडी इंस्पेक्टर को मैंने नशे की इतनी ड्रग्स लगाई, किसी हाथी को लगाता ना तो भी मर जाता। इस पुलिस को रॉड से और ढंग से इतना मारा, मरा नहीं वो। कोई बात नहीं, वो बचेगा नहीं, उससे ड्रग्स से उसकी मौत होके रहेगी। अभिजीत, जिस तरह से इस लड़के की मौत हुई है, ऐसे लगता है कि ये काम किसी कराटे वगैरह जानने वाले आदमी का हो, या फिर कोई प्रोफेशनल किलर भी हो सकता है। काफी अजीब है, गर्दन मरोड़ के मौत, लगता है गर्दन की पूरी हड्डियां टूट गई अंदर से। और देखो, गले पर सामने कोई चोट का निशान नहीं है, बस सिर्फ वो एक नीले रंग का निशान है, लेकिन ऐसे लगता है कि गर्दन एक झटके में टूट गई है। ये कौन लगती है आपकी? ये किराएदार थी हमारी, पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट? ये अकेली रहती थी यहाँ पर? या जी हाँ। सर, हाथापाई के भी कोई निशान नहीं है यहाँ पे। लगता है किसी जान पहचान वाले का ही काम है, दोस्त होगा या रिश्तेदार। जी, इसका दोस्त ही है। दोस्त? आपको कैसे मालूम? मैं जानती हूँ उसे। जानती है आप? कल रात को इसको और उसको झगड़ते हुए सुना था, हम दोनों ने सुना था। बहुत जोर जोर से एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे। क्या नाम क्या है इसका? नाम तो नहीं जानती। अभी तो आप कह रही हैं आप जानती हैं उसे। जी नहीं। रहता कहाँ है वो? वो भी नहीं मालूम। कम से कम ये तो बता दीजिए, दिखता कैसा था? काफी लंबा चौड़ा था। कितना लंबा है? मेरे ख्याल से कम 6 फुट का होगा। हट्टा कट्टा, उसकी बॉडी एकदम पहलवानों जैसी थी। मतलब आपके जैसे? नहीं सर, मुझसे 1-2 इंच लंबा ही होगा। सर, अंदर के कमरे में भी कुछ नहीं मिला है, लेकिन अंदर एक फ्रिज रखा हुआ है। उस फ्रिज पे ये नोट चिपका हुआ था सर। इस पे लिखा है कि मीनू को फोन करके पार्टी के बारे में बता देना। ये मीनू? मीनू रश्मि की दोस्त है, हमारे बाजू में एक कमरा किराए पे लेके पेइंग गेस्ट के तौर पे रहती है। सर, ये रही मीनू। रश्मि, रश्मि, रश्मि उठो। मैम प्लीज संभालिए अपना। रश्मि उठो। मैम वो मर चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता, रश्मि मर नहीं सकती। देखो मीनू, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, लेकिन क्या तुम बता सकती हो किसने मारा होगा रश्मि को? तुम्हें किसी पर शक है? बॉयफ्रेंड के बारे में तो जानती होगी तुम। हाँ सर, पर मैं कभी मिली नहीं उनसे। क्या उन्होंने रश्मि को मारा है? हाँ, अब लगता तो ऐसा ही है। नहीं सर, वो ऐसा नहीं कर सकते, वो बहुत ही बहादुर इंसान है, उन्होंने कई लोगों की जानें बचाई है सर। जान बचाई है? कोई डॉक्टर है वो? नहीं, मुझे रश्मि ने कई बार उनके बहादुरी के किस्से बताए हैं। वो कभी किसी बेगुनाह की जान नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक सीआईडी ऑफिसर है। क्या? वो एक सीआईडी ऑफिसर है? जी। क्या नाम है उसका? सीनियर इंस्पेक्टर दया। क्या? क्या? दया? जी। आपको मालूम है आप किसका नाम ले रही हैं? हाँ। तुम होश में हो? होश में हो तुम? तुम्हें पता है किसका नाम ले रही है तुम? जी सर, मुझे मालूम है। अभिजीत, दया को फोन लगाओ इसी वक्त।
क्या हुआ? सर स्विच ऑफ है फोन। दया ने फोन बंद करके रखा है, क्यों? ये कोई दया की गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है सर। अभिजीत तो तुम्हें सब कुछ बताता है ना, तो इस गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताया? सर दया अपनी हर बात मुझे बताता है, अगर ऐसा होता तो मुझे बताता सर वो। लेकिन उसने अपना फोन बंद क्यों रखा है? क्यों बंद रखा है फोन? अब आपका ऑफिसर इस केस के दायरे में आया है, आप उसको बचाने की कोशिश तो नहीं करोगे ना? पूरी दुनिया कहेगी कि सीआईडी में खूनी भी है। दया अपनी जान दे देगा लेकिन किसी निर्दोष की जान नहीं लेगा। ये तो मैं अब दया के मुंह से सुनना चाहता हूं। कमाल है, दया ने अपना फोन भी बंद करके रखा और अब घर का दरवाजा भी बंद है। इसकी घर की डुप्लीकेट चाबी है ना तुम्हारे पास? चाबी तो है सर, मगर दया हमारे लिए मुजरिम की तरह ही है, एक सस्पेक्ट है। खोलो दरवाजा। वो क्या रहा यहाँ पर? क्या है ये? अभिजीत किस तरह से सारी चीजें बिखरी पड़ी है। पूरा घर तहस नहस कर दिया है। ये इतना सारा खून, सर कहीं ये खून दया का तो नहीं? किसी ने धोखे से मार दिया? नहीं दया सर को कुछ नहीं हो सकता। हम भी तो वही चाहते हैं निखिल, और वैसे भी दया पर हमला करने का कोई सोच भी नहीं सकता। साळुंखे ही बता सकता ये खून दया का है या नहीं। लाश को सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, देखते दे। अरे ये सीआईडी ऑफिसर है क्या? क्या? हाँ ये इंस्पेक्टर दया है मुंबई से। मुझे बहुत टेंशन हो रही है सर, मैंने दया के खबरियों तक से बात की। तो फिर क्या बोले क्या वो? किसी को कुछ पता नहीं है सर, न जाने कहां निकल गया दया। अभिजीत कहीं हमारा शक सही ना हो जाए, दया रश्मि का खून करके फरार हो गया है। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता सर, मेरा दिल कह रहा है दया किसी का खून नहीं कर सकता सर, वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा। अभिजीत अगर वो मुसीबत में तो फोन क्यों नहीं करता? हेलो जी, हाँ मैं सीआईडी ब्यूरो से सब इंस्पेक्टर पूर्वी बोल रही हूँ। कोलकाता से? क्या हो गया सर? एसीपी प्रद्युमन यार,
क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? क्या हुआ सर? किसका फोन? पूर्वी, किसका फोन था? वो दया सर। दया? दया का फोन था? नहीं सर। फिर किसका फोन था? सर वो क्या? कोई बुरी खबर है? सब सर दया के बारे में कुछ पता चला? पूर्वी किसका फोन था? हैं? क्या बात है पूर्वी, क्या छिपा रही हो तुम? किसका फोन था? सर आप कुछ क्यों नहीं बोलते? क्या हुआ दया को? क्या कलकत्ता जाने की तैयारी करो अभिजीत, इसी वक्त। सर वो वहां है। आप कह रहे थे कि बैच मिला था ना? हाँ। चंदू कोई बैच तो नहीं है। दया का बैच है। हाँ सर दया के। सर बॉडी आइडेंटिफाई कर लीजिए। मैं नहीं देख पाऊंगा अभिजीत, हमें लाश तो देखनी ही पड़ेगी, फिर चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। सर मच्छी ने मुंह खा लिया है पूरा, लेकिन ढील ढाल देखकर आप पहचान पाएंगे ये दया है। चेहरा बिगड़ गया सर। कदकाठी को देखकर तो लगता है कि दया ही है। और फिर उसका उसका बैज भी तो मिला इसके पास। जब गोली लगी थी तब कुछ नहीं हुआ, अब ऐसे कैसे? गोली सर क्या हुआ? सर दया को गोली लगी थी सर सीने में। हाँ यहां पर तो निशान होना चाहिए। अभिषेक गोली का तो कोई निशान नहीं है छाती पर। मतलब सर ये दया नहीं है सर? ये दया नहीं है। हाँ सर आपको याद है 2 साल पहले 15 अगस्त के दिन एक रॉकी नाम का क्रिमिनल बैरूपिया बन के सीआईडी में घुस गया था। हाँ और उसने तुम्हारा चेहरा बनवा लिया था अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी से। हाँ सर उसने दया को सीने में गोली मारी थी। हाँ और वो निशान दया को रह गया है अभी भी। तो इसका मतलब है कि ये? हाँ सर ये दया नहीं है सर, दया जिंदा है। दया जिंदा है तो फिर है कहाँ? सर अगर ये दया नहीं है तो फिर दया का बैज इसके पास कैसे? जरूर ये आदमी दया बनकर घूम रहा था कोलकाता में। हो सकता है सर रश्मि का खूनी यही आदमी हो। डॉक्टर तारिका। हाँ डॉक्टर तारिका। क्या? ओ नहीं नहीं ये लाश दया की नहीं है। हाँ या ओके थैंक यू सर। तारिका कह रही है जो खून हमें दया के घर से मिला था वो दया का ही है। माय गॉड इसका मतलब है अभिजीत दया जख्मी है।
दवाई का नशा गहरा है, वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा। एक काम कर, यही अच्छा मौका है, मार दे चाकू। गोली क्यों नहीं मार देती? अरे बेवकूफ, गोली मारेगा तो आवाज आएगा ना। चाकू मार। क्या घर किसका? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। आप यहाँ पे आराम कर लो, इधर कोई नहीं आएगा। मुझे एक ग्लास पानी मिलेगा? जी। मुझे मालूम नहीं तुम कौन हो, मगर मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मदद करने के लिए तो इधर बुलाया है।
सर, मैंने यहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। जैसे उन्हें दया सर दिखेंगे या उनके बारे में कोई खबर मिलेगी वो हमें तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे। रश्मि कोलकाता की थी और दया कोलकाता में है। रश्मि का खून और दया की किडनैपिंग दोनों का कोई ना कोई संबंध जरूर है। सर, इस रश्मि की फोटोग्राफ कलकत्ता के सारे न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं, कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा। हाँ, ये यहाँ का इंस्पेक्टर, क्या नाम है उसका, ओबरा, वो कहाँ है? सर, वो ओबरा आने वाला था यहाँ पे, उसने यही रुकने को बोला था। हाँ, ये CID वाले यहाँ तक पहुँच गए, अगर इन्हें हमारे बारे में कुछ पता चल गया तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि काम मुश्किल है, पर तुम लोगों से एक भी काम ठीक से नहीं हो सकते। तो अभी क्या करें? करना क्या है, पीछे करो इनका। सर, ये इंस्पेक्टर ओबरो, इंस्पेक्टर ओबरो चाहिए। इंस्पेक्टर ओबरा, आपने पूरे कोलकाता पुलिस फोर्स में बता दिया है ना दया के बारे में? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, वेरी सून वी विल फाइंड इंस्पेक्टर दया। वेरी कलकत्ता का नंबर है? हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, क्या आपको मालूम है दया कहाँ है? हाँ, कहाँ पे है? ये नंबर आपको कहाँ से मिला? देखिए, हाँ ठीक है, हाँ हम लोग पहुँच जाएंगे। अकेले हैं ना? ठीक है, दया के लिए कुछ भी। क्या हुआ, दया का पता चल गया? एक लड़की का फोन था, वो कह रही है कि दया के बारे में उसे कुछ बताना है, कॉफी हाउस से बुलाया है। कॉफी हाउस में? सर, कॉफी शॉप, चलो। सर, मुझे आपको इस तरह बुलाना पड़ा, I'm sorry सर। दया कहाँ है? दया मुसीबत में है सर। दया? दया? सर, दया सर। My God। सर, दया सर। दया? सर। क्या हुआ? सर। हाँ? मैं ठीक हूँ। दया, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, मैं चल सकता हूँ। दया, 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 मालूम है यार, बहुत बड़े पहलवान हो, हर दूसरे दिन जान जोखिम में डालते रहते हो, जब से गायब हुए हम लोगों पे क्या बीत रही है? सर, मैंने फोन करके अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लिया है सर, सर वो दया को बिल्कुल ठीक कर देंगे सर। तुम कौन हो? मैं सोनल सर। सर, इस लड़के ने मेरी जान बचाई, उस ड्रग का असर इतना ज्यादा है कि मैं ठीक से होश में नहीं आया। तो वो लाश किसकी थी? सर, वो मेरे भाई राहुल की थी सर। लेकिन उसके पास तो दया का बैज था, दया का बैज लेके क्यों घूम रहा था? उसको दया जैसा बनना था सर, दया बनने का बहुत शौक था उसको, अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए सर। गर्लफ्रेंड को? कौन गर्लफ्रेंड? रश्मि सर। मगर उसका भी तो खून हो गया है।
पता है सर, राहुल की आंखों के सामने उसका खून हुआ है। राहुल किसी तरह अपनी जान बचा के कोलकाता भाग गया है सर, और वो लोग उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। थे कौन वो खूनी? तुमने देखा था उन्हें? हाँ देखा है, अच्छी तरह से देखा है। जब मुझे होश आया वो लोग इसके भाई राहुल को फेंक रहे थे। मैंने सोचा कि मैं जाके उससे बचाऊं, मगर ये इस ड्रग का असर इतना ज्यादा था कि मैं कुछ कर नहीं सका। मैं वहां से भाग गया सर, और इस लड़की ने मुझे कई छुपा दिए और बचा लिया। मगर दया, तुम्हें किडनैप किया किसने? सर जब मैं अपने घर पहुंचा तो देखा एक घायल लड़की मेरे घर के बाहर पड़ी हुई थी। मैं उसे उठा के अपने घर के अंदर ले गया, सोचा एम्बुलेंस को फोन करूंगा, पर पता नहीं कहां से कुछ गुंडे मेरे घर के अंदर घुस आए और वो ड्रग वाले इंजेक्शन मेरे गर्दन पे मार दे सर। मैं बेहोश हो गया, और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं सर। तुमने उन लोगों को कुछ बात करते हुए सुना? बात करते हुए बोल रहे थे वो? होश और बेहोशी के बीच में जब मैं झूल रहा था तब मैंने सुना राणा, हाँ सर राणा और टैक्सी ऐसा कुछ बोल रहे थे। राणा टैक्सी? तुम कहाँ आ रहे? चलो अंदर बैठो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है सर। जब तक मैं उस आदमी को ढूंढ ना लूं जिसने हिम्मत की मेरी ये हालत करने की, तब तक मैं चैन से बैठ नहीं सकता सर। दया गुस्से में दिमाग पर काबू नहीं रहता, बैठो अंदर। मालूम है सर, मैं जब तक उस आदमी की कर्तन मरोड़ ना दूं मुझे नींद नहीं आएगी सर। चलो अरे सुनो जरा, हमें पता चला ये राणा नाम का ड्राइवर है, यहीं पे टैक्सी पार्क करता है। राणा? हाँ राणा। वो सर वो लंबा सा? हाँ वही लंबा कहाँ है वो? वो सर दुबला सा है क्या? अरे हाँ दुबला है, लेकिन है कहाँ वो? आइए सर। यही है उसका टैक्सी। यही है उसमें। अरे, इधर भाग रहा है। जब जब चोर की दाढ़ी में तिनका चुभता है तब तब वो भागने की कोशिश करता है। क्यों भागा तू? मुझे कुछ नहीं पता सर। इंस्पेक्टर दया को जानता है? वो तो मर गया। इंस्पेक्टर तो मर गया सर। अच्छा ले भाई दया, तेरी फोटो पे तो माला टांग दी इसने। जब जब अपराधी को लगता है कि दया उसकी जिंदगी से निकल गया तब ये हाथ उसे याद दिलाता है कि दया आज भी जिंदा। बोल। सर मुझे तो ये बता सर, बस वो कह रहा था ये बस ये रख लो और कल कोई आके लेके जाएगा। ये मतलब क्या रखने को दिया था? निकाला। ये लो सर, ये ऐसा क्या है इसमें? पता नहीं सर। बोल बोल सर। बोलो सर। काली माँ का मुखौटा ये दिया था उसने? काली माँ का मुख, इसका क्या मतलब हो सकता है? सर एक जगह मैं जानता हूँ जहाँ से इसका जवाब मिल सकता है, जहाँ पे ये बनता है।
कुमार टुल्ली? यस कुमार टुल्ली। दुनिया भर की सारी काली मां की मूर्तियां यहीं पर बनती है और यहीं सही जाती है। মাকালীর মূর্তির মুখটা তুমি বানিয়েছো কিনা? আরে এটা তো রবির বানানো, জানেন না নাকি? রবি? তুমি একদম শিওর এটা রবি বানিয়েছে? হ্যাঁ স্যার, কনফিডেন্ট। কারণ স্যার এখানে যেতনা ওই আর্টিস্ট লোক হয় না স্যার, স্যার সবকে একটু আলাদা পহচান হতে হয় স্যার। জেসা স্যার, ইয়ে যো আপ আগ দেখ রহে স্যার, আপ আমি চোখ सर, ये चोक रोबी छोड़कर और कोई भी नहीं बना सकता सर। ये पोटी में। अच्छा, ये रोबी है आसपास यहाँ कहीं पे? हाँ सर, सर बाहर में उसका स्टूडियो है सर। की सुंदर कोलकाता कोने कोने शिल्प रहे छे। मूर्ति तो देखा? ये चेहरा आपने किसके लिए बनाया, कुछ बता सकते हैं? एक आदमी था, उसे सिर्फ चेहरा चाहिए था। वैसे तो सब लोग पूरी मूर्ति बनाते हैं, पर उसने सिर्फ चेहरा बनवाया था। सिर्फ चेहरा ही बनवाया? अच्छा, कुछ तो बताया होगा उसने कि सिर्फ चेहरा क्यों बनवा रहा है। मैंने पूछा था, वो कुछ बोला नहीं। नमस्कार साहब, वो किसी से फोन पे बात कर रहा था। कुछ सुना तुमने? क्या बात कर रहा था वो? कुछ काली मंदिर में जाने की बात कर रहा था। तो सर हम भी चल के नाचते? क्या मुझे नचवाओगे? नहीं नहीं सर, हम लोग हैं ना। हाँ तो ठीक, चलो मैं दर्शन कर लूंगा काली माँ। कहाँ है वो शाउ डांसर? वहीं पे ये पीयूष मिलेगा हमें। ये पीयूष है। एक एक मिनट चलो देखने दीजिए। माय गॉड सर, ही इज डेड। एम्बुलेंस को फोन कर देता हूँ सर। और भागने का शौक है। अभिजीत, खूनियों को पता चल गया था कि हम पीयूष को ढूंढ रहे हैं, और इससे पहले कि हम इससे मिलें, उन्होंने इसका खून कर दिया। बोल बोल, कौन है तू? पीयूष का खून क्यों किया? कौन पीयूष? क्यों मारा? बोल। बॉस ने बोला। बॉस? कौन है तेरा बॉस? बॉस का फोन है। बात कर, लेकिन स्पीकर फोन ऑन कर। एसीपी प्रद्युमन। कौन है तू? वो
वो जानने का टाइम निकल गया। पीयूष का खून क्यों किया तुमने? अगर ये बता देता तो तुम समझ नहीं जाते सब कुछ। सब कुछ? सब कुछ का क्या मतलब है? मुझे दया चाहिए, दया। किस लिए चाहिए दया? दया से निपट लूंगा मैं, वो हम दोनों का आपस का मामला है। मुझे दया चाहिए वृंदावन में। मेरे साथ तेरी मौत आएगी, समझा? हमारे सामने पीयूष की लाश पड़ी है, तीन तीन लोगों को मरवाया तूने, तू बचेगा नहीं, समझा? ठीक है, देखेंगे, बाय। ये बता, मेरा बॉस कौन है ये? रॉकी। रॉकी, ले जाओ, ले जाओ। देख, जाल बिछाना पड़ेगा। ये रॉकी हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए, खूनी है वो, खूनी। मिलो उससे तुम जाकर, विसर्जन। देख, जाल बिछाते हैं, तुम घुस जाओ, हाँ? विवेक। जल्दी कर, अरे ये शेर जब तक सोया हुआ है ना तभी तक शांति है, अगर ये जाग गया तो हम सबको कच्चा चबा जाएगा। अरे जाके बहुत जल्दी चला। सीआईडी वाले कहीं आना चाहिए। अरे सीआईडी वाले आगे, अरे भाग भाग। जल्दी बदमाशी करता है, करेगा करेगा। तो बताओ क्यों चाहिए था दया तुम्हें? हीरो के लिए सर, डायमंड। हीरो के? हाँ, हम लोग हीरो का स्मगलर है। वो दुबई से कंसाइनमेंट आने वाला था तो रास्ते में वो चोरी हो गया। हीरो से दया का क्या संबंध? जिस आदमी ने बॉस का माल चोरी किया था उसने मुझे फोन किया था, कहा था यदि तुम लोग को हीरे चाहिए तो मुझे सीआईडी इंस्पेक्टर दया चाहिए, वो भी जिंदा। इसलिए तुम लोगों ने पहले राहुल को किडनैप किया, तुम लोग उसे दया समझ रहे। तो यहाँ आके पता चला ना कि वो नकली था, इसलिए मुझे किडनैप किया और राहुल का खून कर दिया। कौन है ये आदमी जिसे दया चाहिए? है कौन ये? हमें क्या मालूम सर, हमें तो हमारे हीरो से मतलब था ना। वो बोले कि दया को दे देंगे तो हमें हमारा हीरे दे देगा। कहाँ पे आने वाला है वो आदमी? औरा फेरी चलते हैं सर, मैं भी जरा देखूं मेरा इतना बड़ा चाहने वाला कौन है जो मुझसे मिलने के लिए ड्रॉप देता है।
विवेक, बोट में जाओ, बोट में। यस सर। विवेक, विवेक सर। वाह, सामने वाली बोट पे, सामने। यस सर। गो। बस मुझे यकीन था कि तुम मेरा काम जरूर करोगे। हीरे, ये लो तुम्हारे हीरे। लेके जाओ दया करो। अबे चल। तुमने शायद सुना नहीं है, बैठा हुआ हाथी भी कुत्ते से ऊंचा होता है। क्या? तीन तीन लोग मिलके मुझे अकेले को मारते हो? हाँ, मार खा के तेरा पेट नहीं भरा? दिल में बहुत अरमान जाग रहे थे ना दया से मिलने के, हो गई तसल्ली? मैं दया को मारना चाहता था, अपने हाथों से इसकी जान लेना चाहता था। अगर क्यों, क्या बिगाड़ा दया ने तुम्हारा? मुझे ऐसा लगता है कि इसके परिवार की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, जबकि ऐसा है नहीं सर। झूठ बोलता है ये। अगर आज मैं हालात हूँ तो इसकी वजह से, अगर आज मैं इस दुनिया में अकेला हूँ तो इसकी वजह से। तुम्हारे परिवार में सब मुजरिम थे, जुर्म इसके रगों में बहता सर, इसके खून में है। इसके माँ बाप दोनों सुपारी किलर थे और सीआईडी का काम है जुर्म को खत्म करना, और वही हम लोग कर रहे हैं, सफाई। अब मुझे याद आया दया, 3 साल पहले की बात है ना, जब तुम 2 कॉन्स्टेबल्स लेकर गए थे अरेस्ट करने के लिए, तब इन्होंने तुम पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और उसमें वो 2 कॉन्स्टेबल्स मारे गए, और काउंटर अटैक में हमें गोलियां चलानी पड़ी। क्यों क्यों क्यों? मैं तो मुजरिम नहीं था, मेरे परिवार को मारकर मुझे क्यों सजा दी, मुझे क्यों मुजरिम बना दिया? गलती तो तुम्हारे परिवार की है, जिन्होंने तुम्हें ऐसे माहौल में रखा जहां जुर्म जिंदगी की वास्तविकता बन गई। और इसलिए तुमने भी सच्चाई का रास्ता छोड़ के बुराई का रास्ता अपना लिया। राहुल और रश्मि का खून हुआ है तुम्हारे हाथों से, फांसी तो तुम्हें होके ही रहेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।